विधायक के साथ अभद्र व्यवहार किया कि नहीं किया, इसका एक एक लोग जान रहा है, भाजपा के लोग जान रहे हैं, दिल्ली के लोग जान रहे हैं कि पाटलिपुत्र की सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। भाजपा के प्रत्याशी अपने हार के को पछा नहीं पा रहे हैं, बौखलाहट में है। मीडिया चैनल पर कुछ खबरें सब लोगों ने देखा, मिथ्या और मनगढ़ंत, एक FIR भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा किया गया, उनके लोगों को द्वारा किया गया, और जो हमारे पार्टी के सम्मानित विधायक मसौढ़ी के हैं रेखा देवी जी, रेखा पासवान जी, इन पर आरोप लगाया गया। सच यह है कि उक्त दिन चुनाव चल रहे थे और मसौढ़ी के विधायक हैं और उस दिन ये पास वाले गाड़ी जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पास निर्गत गया जाता है घूमने के लिए, उस गाड़ी से भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान एक शिकायत आती है इनके मोबाइल नंबर पर, फोन किया जाता है इनके मोबाइल पर, इनके पर्सनल जो मोबाइल है उन पर फोन किया जाता है कि जो तिनेरी जो मध्य विद्यालय है, तिनेरी बूथ संख्या 178 है, वहाँ पर मनबढ़ू और मनचरू लोग, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, कमज़ोर हैं, उनको वोट देने से मना किया जा रहा है और बोगस वोट पोल किया जा रहा है। सूचना पाकर का स्थानीय विधायक के साथ साथ घूमने की जिम्मेदारी इन्होंने ली थी और उसके द्वारा बेजाब्ते जिला निर्वाचन पदाधिकारी के तरफ से इनको पास निर्गत किया गया था। तो अमूमन हर पार्टी के, हर पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ती है तो अपने प्रत्याशी को द्वारा जो नामित व्यक्ति होते हैं वो जाते हैं और भ्रमण करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो। तो सूचना पाकर गए, देखे कि कोई पहचान नहीं हो रही है, भीतर बैठा हुआ है, लोग वोट मार रहा है। जानने की कोशिश की गई, इनको जाति सूचक शब्दों से इनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, इनके अंगरक्षक के साथ बदसलूकी की गई, कालर तक पकड़ा गया। बताइए कि कालर तक पकड़ा गया और कार्यकर्ता, और जो नाम है जिन लोगों का, वो सब नाम वही लोग हैं जो लोग मनबढ़ू और मनचरू लोग, राकेश कुमार हैं, शशि कुमार हैं, ये सब सारे लोग हैं, ये सहित कई लोग जो FIR में रेखा जी ने दर्ज करवाई है प्राथमिकी, उसमें सब नामों की चर्चा है। वो कॉपी आपको दे दी जाएगी ताकि उन चीज़ों को नाम के आप देख सकें। ये गंभीर, जब दलित परिवार का कोई सम्मानित विधायक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो चुनाव के दिन, खास कर करके मताधिकार का प्रयोग करने में कहीं कोई बाधा पहुंचा रहा हो, तो सूचना लेने का, जानने का, वहां तक पहुंचने का ये अधिकार प्रदत्त होता है, और बूथ पर जाकर के ताकि देखा जाए कि बूथ शांतिपूर्ण है कि नहीं है। इस बाबत अगर लगता है कि बूथ पर कोई अशांति है, कोई कब्जा है, तो इसकी सूचना ऑब्जर्वर को, पर्यवेक्षक को दी जाती है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दी जाती है, पुलिस ऑब्जर्वर को दी जाती है, SP को दी जाती है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी किया और संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया अपने मोबाइल से। लेकिन आज हमने देखा कि दूसरी कथा कर रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी अपने हार के को पछा नहीं पा रहे हैं, बौखलाहट में है। कब तक आप पाटलिपुत्रा की जनता को ठगते रहिएगा? कब तक आप पाटलिपुत्रा में अपने काम नहीं किए, जनता ने मन में ठाना इस बार भाई हम नहीं स्वीकार करेंगे, देश के अंदर में हालात खराब है, तो पाटलिपुत्र की हार को पचा नहीं रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी रामकृपाल जी, और पच नहीं रहा है, उनका घर ही नहीं, उनका एक एक लोग जान रहा है, भाजपा के लोग जान रहे हैं, दिल्ली के लोग जान रहे हैं कि पाटलिपुत्र की सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और इस बौखलाहट में आकर करके आप 15 करोड़ पर लाभ कर रहे हो, महिला विधायक पर, दलित परिवार पर, इसी की लड़ाई तो लड़ते रहे हैं, चाहे किसी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हैं, कमजोर है, लाचार है, बेबस है, उनको जिनको आवाज़ आकर लालू प्रसाद जी ने दिया, उस आवाज को दबाना चाहते हैं।
अब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये पूरे मामले की तहकीकात पड़ताल करना शासन का कर्तव्य है। और मैं तो मानता हूं कि पूरे मामला को गंभीरता से शासन जांच करे। एक विधायक ने आरोप लगाया, ये आरोप गंभीर है। हम तो अब लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उक्त बूथ पर जो 189 तिनेरी जो मध्य विद्यालय बूथ है, वो बूथ पर अशांति हुई कि नहीं हुई, विधायक के साथ अभद्र व्यवहार किया कि नहीं किया, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल उनके नाम लेकर किया गया कि नहीं किया गया, क्या इस देश में जो सम्मानित जो माननीय विधायक है उनके साथ भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होगा? और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये गंभीर सवाल है। इसलिए इन बातों को आपके माध्यम से बात जानी चाहिए, ये गंभीर मामला है। इन्होंने तो बजाते फैया दर्ज किया है नाम लेकर के, और हम कृपाल जी अलग कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी मत बजाइए। इन सवालों से बच नहीं पाइएगा, वीडियो सामने है साक्ष्य के रूप में, और ये वीडियो को हम साझा करना चाहते हैं मीडिया के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।